मनीष कश्यप को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। जो भी आरोप लगाना है उसे ईमानदारी पूर्वक लगाया जाए, उनको राहत दिया जाना चाहिए। यदि हमारी पुलिस इतनी ही तत्पर अपराधियों के प्रति होती तो शायद राज्य की जनता निर्भीकता के साथ अपना जीवन जी पाती, पर जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उन्हें तो चारों तरफ से भय ही भय घेरे हुए है। कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिले इसकी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। सरकार को निर्धन परिवारों के उत्थान पर ध्यान लगाना चाहिए कि जनता के प्रति न्याय होना चाहिए। जनता को छोटे छोटे बातों में उलझा कर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मनीष कश्यप जी का मामला है, उस पर अगर गौर करें तो बहुत बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि मनीष कश्यप जो कि राष्ट्रीय स्तर के सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। ऐसे में जो हमारे आधे से अधिक आबादी गरीबी झेल रही है उनके ऊपर इस तरीके के अगर आरोप लगा दिए जाएं तो फिर उनकी क्या स्थिति होगी। हम सबों को जो भी आरोप लगाना है उसे ईमानदारी पूर्वक लगाया जाए और उसे ईमानदारी पूर्वक निपटाया जाए, क्योंकि भूल सबसे होती है और यदि भूल किसी से हुई है, जानबूझकर वो कृत नहीं किया गया है, तो कम से कम उनको राहत दिया जाना चाहिए। परंतु ये अवसर उनको नहीं दिया गया और उनके पीछे लोग बिल्कुल इस तरीके से पड़े हैं जैसे कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं। यदि हमारी पुलिस इतनी ही तत्पर अपराधियों के प्रति होती तो शायद राज्य की जनता निर्भीकता के साथ अपना जीवन जी पाती, परंतु जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उन्हें तो चारों तरफ से भय ही भय घेरे हुए है। स्वयं से बलशाली का भय, पुलिस का भय, सरकारी अधिकारी पदाधिकारी का भय, चारों तरफ वो भय से घिरे हैं। पहले इनको तो भय से मुक्त कराया जाए। इनके पास रोजगार की सुविधा नहीं है, कृपया इनके रोजगार की व्यवस्था की जाए और इनको रोजगार तभी मिलेगा जब रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये शिक्षा पद्धति जो गरीब के बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर लाई गई है ये रोजगार देने में बिल्कुल विफल है। तो अब सरकार को विचार करना चाहिए कि निर्धन परिवार के लोगों को निश्चित रूप से रोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनके परिवार में रोजगार नहीं होगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिले इसकी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। सरकार को निर्धन परिवारों के उत्थान पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के ऊपर, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के ऊपर, अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करें इसके ऊपर। जब तक सच्चे अर्थों में हमारे गरीबों का जीवन खुशहाल नहीं होगा तब तक सचमुच हमारा देश विकास नहीं करेगा। चंद लोगों के धन वृद्धि से, चंद लोगों के पद पर आसीन हो जाने से हमारे देश का कल्याण नहीं होने वाला। सरकार से मेरा अनुरोध है गरीबों के कल्याण की बात की जाए, गरीबों के साथ धोखा ना किया जाए। तो अपने देश के पिछड़ेपन को बचाना है तो सबसे पहला ध्यान हमको उन परिवारों पर देना है जो निर्धन हैं, और ये निर्धन लोग हमारी आबादी के आधे से अधिक हैं। इनके परिवार के सदस्यों को कैसे रोजगार मिले सरकार को इसकी चिंता करनी है। इनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले सरकार को इसकी चिंता करनी है। परंतु सरकार अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए दिन रात प्रयासरत है। गरीबों का बिल्कुल हमारे सरकार को ख्याल नहीं है, लोगों के साथ न्याय हो इसका बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। ऐसे में हमारा देश विकास करेगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं बनती। तो कृपया सरकार निर्धनों के तेजी से उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर लाए और प्रत्येक निर्धन परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जिससे उनका परिवार चले, इसकी व्यवस्था
सरकार को जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और बात के साथ अगले वीडियो में।